अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज ऑफ फॉर गॉड्स सेक होल्ड दाई टंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट डू द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेल अस ऑन बैक बाइटिंग एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग। यानी कुरान और ट्रेडिशंस ऑफ जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेडिशंस था, वो हमें क्या बताता है बैक बाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरिंग पर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास है, आवर सेक्रेड होली कुरान कंडेम्स स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। यानी हमारी जो मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ, वो इस चीज़ को बिल्कुल मलामत करती है, कंडेम करती है स्कैंडल मॉन्गरिंग और बैक बाइटिंग पर बहुत मजबूती के साथ। इन सही मुस्लिम आवर बिलाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट अ पर्सन हु इंडल्जेस इन बैक बाइटिंग इज़ अ मैन हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। जैसा हमने लेसन में पढ़ा भी कि सही मुस्लिम की रवायत है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट ए पर्सन, के एक आदमी जो है हु इंडल्जेस इन बैक बाइटिंग, जो गीबत में मुबतला है, इज़ अ मैन, वो उस आदमी की तरह है, उस इंसान की तरह है, हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, जो अपने बड़े भाई का गोश्त खाए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द गीता एंड द बाइबल टेल अस ऑन बैक बाइटिंग। यानी गीता और बाइबल हमें बैक बाइटिंग पर क्या नसीहत करते हैं। गीता सेज दैट अ पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम बैक बाइटिंग इज़ प्योर एंड फ्री फ्रॉम फेयर, एंड अ पर्सन हु हैज़ ए हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग इज़ ए सिनर एंड इज़ बर्न टू डीमोनियक एंडोमेंट। यानी गीता क्या कहती है कि एक आदमी जो है हु इज़ फ्री फ्रॉम बैक बाइटिंग, जो गीबत से बिल्कुल आज़ाद है, इज़ प्योर, वो बिल्कुल पाक है, साफ है, एंड फ्री फ्रॉम फियर और डर से आज़ाद है, एंड द पर्सन हु हैज़ ए हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, और वो आदमी जिसको बैक बाइटिंग की आदत हो, इज़ ए सिनर, वो गुनहगार है, एक गुनहगार है, एंड इज़ बर्न टू डिनोमियक एंडोमेंट्स, और वो शैतानी वसवसे से पैदा होता है। यानी शैतानी औकाफ जो है उसका, वो उसके अंदर पैदा होता है। बाइबल सेज दैट वी ऑल मेक एरर्स इन मेनी वेज। यानी हम सब इसको एरर्स बनाते हैं बहुत से तरीकों से, एंड ए पर्सन हु डज नॉट मेक एन एरर इज़ ए परफेक्ट मैन। अगर कोई आदमी गलती नहीं करता तो वो परफेक्ट आदमी होता है। हम खुद गलतियां करते हैं, एंड ही कैन कर्ब हिज होल बॉडी ऑन हिज विल, और वो अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट डू द ग्रंथ साहिब एंड लॉर्ड बुद्धा टेल अस ऑन बैक बाइटिंग। यानी लॉर्ड बुद्धा और ग्रंथ साहिब हमें बैक बाइटिंग पर क्या कहते हैं। ग्रंथ साहिब सेज दैट ए बैक बाइटर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस। यानी बैक बाइटर जो है, गिबत करने वाले जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठा रखा है गुनाहों का, एंड ही कैरीज लोड्स विदाउट एनी पेमेंट, और उन्होंने बगैर किसी उजरत के वज़न को उठा के रखा है, बोझ को उठा के रखा है। लॉर्ड बुद्धा इन हिज एट फोल्ड पाथ सेज, लॉर्ड बुद्धा अपने एट फोल्ड पाथ में कहता है दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन द राइट स्पीच। यानी अगर किसी को ज़िंदगी जीनी है तो उसको सच बोलने की बुनियाद पर जीना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़, एंड नाउ वी विल डू मोर एक्सरसाइज
ऑफ दिस लेसन इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।